आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सर्किट हाउस के सभागार में आज मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद जनपद स्तरीय कार्यालयों में नियुक्त जन सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005, उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के प्रावधानों के संबंध में स्टेट रेसोर्ट पर्सन राजेश मेहतानी ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान SSP सहारनपुर दिनेश कुमार, ADM सहित काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करना और तीसरी बात, प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों चाहिए। अभी अपने उद्बोधन में माननीय सूचना आयुक्त महोदय ने और माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय ने इसको रेखांकित भी किया, भ्रष्टाचार विदूरों क्यों चाहिए, पारदर्शिता और जवाबदेही, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सके। हम थोड़ा विश्व का परिदृश्य देखेंगे। मैंने आपके सामने विश्व का मानचित्र रखा है। सूचना का अधिकार की यात्रा, मैं इसे यात्रा कहूंगा, अभी देखेंगे कैसे यह यात्रा प्रारंभ हुई दुनिया में सन 1766 से, जब स्वीडन ने सबसे पहले अपने यहां सूचना का अधिकार लागू किया। और आज तो ये प्रशिक्षण शिविर समाप्त होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए जरूरी जानकारियां देते हुए अपनी बात रखी। मैं वो सारी डिटेल्स नहीं आ सकती जो कि नियमों में डाली जाती है, इसलिए ये बहुत आवश्यकता इसकी महसूस की गई कि ये नियमावली तैयार कराई जाए। जैसे मैंने बताया, ये नियमावली बनाने की शक्ति आयोग के पास नहीं थी, राज्य सरकार की। लेकिन आयोग क्योंकि प्रदेश में इस एक्ट के संचालन से जुड़ा हुआ था, इसलिए आयोग ने यह महसूस किया कि इस एक्ट के तहत नियमावली बनाने के लिए राज्य सरकार की मदद की जाए। और आयोग ने एक प्रोसेस शुरू करी, इस नियमावली का आलेख तैयार एक आलेख बनाया गया, उसको हमने अपनी वेबसाइट पे डाला, उस पर कमेंट्स इन्वाइट किए गए, उन कमेंट्स को देखा गया, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए उस कमेंट्स के आधार पे। अंततः गतवा जुलाई 2015 में आयोग ने अपने स्तर पर एक आलेख तैयार करके राज्य सरकार को इस संस्तुति के साथ भेजा कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 27 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस नियमावली को नोटिफाई करे, प्रख्यापित। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज अपनी मांगों को लेकर सर्किट हाउस पहुंचे और वहां पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी से मिलकर अपने गन्ना भुगतान व अन्य समस्याओं को लेकर अपनी बात कही और उनके निस्तारण की मांग की। जिला कांग्रेस कार्यालय पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 49वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने
एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहुल गांधी की दीर्घायु होने की कामना की और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष शशिवालिया, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जावेद सावरी, गणेश दत्त शर्मा, इमरान कुरैशी, नसीब खान सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शशिवालिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 50वां जन्म दिवस है, जनपद सहारनपुर की कांग्रेस उनकी दीर्घायु होने की कामना करती है। हम प्रभु से कामना करते हैं कि वो शतायु हों, 100 वर्ष के हों और सदैव आजीवन इस कांग्रेस का नेतृत्व करते रहें, ऐसी जनपद सहारनपुर की कामना है। हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से ऐसा ही होगा और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, राहुल जी जैसा दृढ़ नेतृत्व है हमेशा निश्चित रूप से तरक्की लाता है, विजय लाता है और हमें उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। धन्यवाद। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आज रोहित रोहिला के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, धारा 370 व जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामान्य राष्ट्रपति मोदी जी को देने जा रहे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो उसकी मांग को लेकर 3 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। पहली मांग हमारी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दूसरी जम्मू कश्मीर से धारा 370 35 हटनी चाहिए। और तीसरा जो जनसंख्या वृद्धि जो पूरे भारत के लिए घातक है उस पर नियंत्रण लगना चाहिए, इसी को लेकर हम 3 सूत्रीय ज्ञापन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वधान में चल रहे जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान आज एसोसिएशन द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार सहित अन्य अतिथियों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर संदीप गुप्ता, फुरकान कुरैशी, लाल धर्मेंद्र प्रताप, बिलाल सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कि शहर को ट्रैफिक को कंट्रोल कर रखा है श्री दिनेश कुमार जी, श्री विनीत जी और श्री अनुज जी। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेम कुमार जी और डॉक्टर पीके शर्मा जी, इन्होंने जो है हमारे तीन अतिथि को सम्मानित किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज सेमीफाइनल मैच खेला गया, मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। सहारनपुर की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।